हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर फ्रैक्शन बताने वाला हूं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर फ्रैक्शन बताने वाला हूँ, तो आइए चलिए देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन हम लिखते हैं कि ए फ्रैक्शन फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर ठीक है, इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इसका ये डिफिनेशन जो है कि ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जिसका अंश, ठीक है स्टूडेंट, जिसका अंश हर से छोटा हो, ठीक है स्टूडेंट, जिसका अंश हर से छोटा हो, नोमिनेटर को हम हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर, तो जिसका अंश हर से छोटा हो, ठीक है, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं, एग्जांपल हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे कि मैंने लिखा 3/7, ठीक है, 5/11, 23/14, 73/100, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है स्टूडेंट प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने क्या बताया था कि जिसका अंश हर से छोटा हो, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अंश क्या है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो यहाँ पर देखिए जितना अंश है, अंश जितना है वो देखिए हर से क्या है, छोटा है, हर से क्या है, छोटा है, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जितना भी अंश है देखिए 3/7 है, तो ये क्या है, हर से छोटा है, ठीक है। 5/11 है, तो 5 क्या है, अंश क्या है, हर से छोटा है। 23 है, तो 23 क्या है, 40। 40 से क्या है, छोटा है, मैंने हर से छोटा है। 73 क्या है, 100 से छोटा है, मैंने हर से छोटा है। तो जिसका अंश हर से छोटा हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन था। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।